हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आप लोग रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे थे कि GNM और BSc नर्सिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं उसी रिलेटेड कुछ अपने टिप्स, स्ट्रेटजी, आइडियाज़ देना चाहती हूँ, तो उसी रिलेटेड वीडियो है। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। और प्लीज़ गाइस, आप लोग मेरा जल्दी जल्दी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो तो आप लोग देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो ये सारी बातें छोड़ते हैं और जो मेन टॉपिक में उसमें जाते हैं कि BSc और GNM नर्सिंग का प्रिपरेशन कैसे करें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इसके मैं 5 स्ट्रेटजी टिप्स बता रही हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी टिप्स क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ BSc नर्सिंग एंड GNM एग्ज़ाम पैटर्न। जो एग्ज़ाम पैटर्न है BSc नर्सिंग का, तो पहले उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे आपके, कि कितने मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन होता है, ये सारा चीज़। तो जैसे मार्क्स का बात करें तो 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहते हैं, 5 सेक्शंस में डिवाइडेड रहते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं, तो उसमें मैथ, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहते हैं। और ड्यूरेशन तो आपको पता है 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि पहले अंडरस्टैंड क्या करें एग्ज़ाम पैटर्न्स को, तभी तो आप उसके आगे प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरा टॉपिक्स क्या है आपका, दूसरा टिप्स, रिव्यू द सिलेबस। तो आपको इसे टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि रिव्यू द सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। जैसे आपका केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कितने मार्क्स के, बायोलॉजी में कितने मार्क्स के, और क्या ये और क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों सब्जेक्ट्स में, तो वो पहले अकॉर्डिंग वाइज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। थर्ड स्ट्रेटजी टिप्स आपका क्या है, स्टडी रूटीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टडी रूटीन, कि हम लोग कैसे, किस मतलब क्या रूटीन बनाया है स्टडी के लिए, वो कि हम लोग कितने आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं या कितना आवर्स किस सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, इक्वालिटी दे रहे हैं या नहीं, या कोई सब्जेक्ट का प्रेफरेंस ज़्यादा है, कोई सब्जेक्ट का प्रेफरेंस कम है। तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो बायो में बहुत आ रहे हैं तो मैं उसमें थोड़ा कम पढ़ूंगी, मुझे फिजिक्स में ज़्यादा आ रहा है या बहुत वीक हूँ मैं उसमें तो उसमें मैं ज़्यादा पढ़ूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तीनों सब्जेक्ट है उसमें इक्वल टाइम आवर्स हमको डिवाइड करना है। और मेन पॉइंट ये है कि हम लोग कोई भी टॉपिक पहले पढ़ेंगे तो उसका पहले रिव्यू करेंगे, रिवीजन मतलब पहला जो हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं उस रिलेटेड। तो हर सब्जेक्ट को हम लोग इक्वल मानना होगा और इक्वल टाइम ड्यूरेशन देना होगा पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। फोर्थ स्ट्रेटजी टिप्स क्या है, स्टडी मटेरियल। कि हम लोग तो सारा चीज़ हो गए तो, लेकिन स्टडी मटेरियल हम लोग का पढ़ने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं है तो क्या ही फ़ायदा, तो इस रिलेटेड। तो स्टडी मटेरियल में आपका आ जाएगा कि सबसे अच्छा तो आपका 12th का नोट्स, ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद बुक प्रेफरेंस भी है BSc नर्सिंग और GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैंने पिछला वीडियोस अगर आप मेरे देख रहे होंगे तो उसमें मैंने बताया है। और आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आप रिपीटेड मतलब उससे PDF आपका ऑनलाइन भी डाउनलोड हो जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी देख सकते हो। तो ये स्टडी मटेरियल है, अगर आपका 12th बेस अगर अच्छा है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, तो इसलिए बेस मजबूत होना चाहिए। मेरा मीनिंग यही है बोलने का कि बेस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो लास्ट एंड फिफ्थ स्ट्रेटजी टिप्स क्या है आपका, मॉक टेस्ट। मैंने तो सारा कुछ पढ़ लिया कि हाँ कैसे मटेरियल कंसेप्ट करना है, टाइम कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसे बांटना, मार्क्स कितने का, ये सारा चीज़ हम लोग जान गए, हमारे पास सारे नोट्स अवेलेबल हो गए हैं, सारा कुछ अवेलेबल हो गया, हम लोग सारे से प्रिपरेशन कर लिया। हाँ, लेकिन हमने जो मेहनत किया है वो हम कैसे पता करें कि हम अच्छे से मेहनत किए हैं या और मेरे को मेहनत करना है या नहीं, तो ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में तो पता नहीं करना, उससे पहले हमको पता करना होगा। तो उसी रिलेटेड तो मॉक टेस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कि पहले तो हम जितने भी प्रीवियस आपका अगर बुक लिए हैं तो उसमें आपका पीछे बैक साइड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, 3 आवर्स ऐसे सेक्शन वाइज डिवाइडेड रहते हैं, जैसे हमारा एग्ज़ाम पैटर्न का क्वेश्चन रहता है उसी टाइप्स में। तो आप उसको एग्ज़ाम के बेस पे जैसे 3 आवर एकदम कंटिन्यू बैठना है और उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको कितना दे मतलब कितना क्वेश्चन सही हुआ या कितना टाइम लगा सॉल्व करने में। अब पहले बात तो हमें जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं और हम कन्फर्म हैं पहले हमें उसे सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद में। तो मॉक टेस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है,
तो इस तरह से आप अपना एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि लगभग फॉर्म अगस्त तक निकल ही जाते हैं सारे जे एन बी एस नर्सिंग के फॉर्म्स। बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं सोची इसमें भी थोड़ा सा बता दूँ। वैसे हमें कोई भी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम का अगर फॉर्म निकलेगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करेंगे बी एस सी नर्सिंग और जे एन एम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।